आज कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम और राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम आप सभी और पधारे हुए जितने भी विभाग से अधिकारी उन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम लव वर्मा है और उदयपुर का निवासी हूँ। मेरा इस कार्यक्रम में जुड़ने का उद्देश्य यही था कि सबसे पहले तो मेरा खुद का स्वयं का एनजीओ है, राज्य सरकार द्वारा एक रिक्रूटमेंट के द्वारा मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा था और कार्यक्रम में जुड़ने पूरा रिक्रूटमेंट के हिसाब से इंटरव्यू बेस्ड रहा ये कार्यक्रम हुआ है और 5 जुलाई से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आज हाल में 3 से 4 महीने इस कार्यक्रम में हो गए। कार्यक्रम का नाम राजीव गांधी युवा मित्र है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विचार को सोच को देख के कार्यक्रम माननीय अशोक गहलोत जी सर ने पहल करके इस कार्यक्रम को बनाया है। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से चलाने के लिए क्रियान्वित करने के लिए इसके लिए एप्लीकेशन बनाया गया जिसको आरओएमपी ऐप के माध्यम से किया गया राजीव गांधी युवा मित्र। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम का जो पूरा जो उद्देश्य है कि भाई हालांकि विभाग में काफी समय से काम होते और होते होते रहेंगे लेकिन हमारी नियुक्ति करना और हमारे द्वारा कार्य करना जन जन तक पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य ही एक तरीके से सेतु के रूप में कार्य करना। तो एक सेतु के रूप में हमारा कार्य रहता है प्रत्येक विभाग से प्रत्येक जो भी हमारे राजीव गांधी युवा मित्र उनके ब्लॉक स्तर पर चाहे पंचायत स्तर पर चाहे शहरी स्तर पर। मैं बताना चाहूंगा कि उदयपुर जिले की बात तो और वैसे ये कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे राज्य में लगभग 2500 लोग इस राजीव गांधी युवा मित्र में काम कर रहे हैं और सरकार की एक तरीके से जितनी भी योजनाएं चाहे वो फ्लैगशिप हो चाहे विभाग की हो समस्त योजनाओं को प्रचार प्रसार करके जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उदयपुर जिले की बात करूँ तो उदयपुर जिले में हाल फिलहाल में 40 राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त है। पूरे उदयपुर जिले में समस्त लगभग 15 ब्लॉकों में, हालांकि उदयपुर में 20 ब्लॉक हैं और जिसमें 15 ब्लॉक में राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त है जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में कहीं 4 कहीं 3 उनकी पंचायत की क्षमता जनसंख्या को देखते हुए उनको नियुक्त किया गया। अब राजीव गांधी युवा मित्र के प्रमुख तौर पर 2 से 3 काम है जिसमें पहला काम तो उनका है कि सोशल मीडिया जैसे कुल राज्य सरकार के थ्रू 10 जो सोशल मीडिया के लिंक तैयार किए गए हैं चाहे वो फेसबुक के हैं चाहे ट्विटर के हो चाहे अन्य जितने भी विभाग के हो इन सभी 10 साइट पे लिंक पे सोशल मीडिया की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना और ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान सरकार में जितनी भी योजनाओं की जितने भी लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है उनमें उनको लाइक करना ट्वीट करना रिट्वीट करना शेयर करना ये प्रमुख है सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे काम रहता है। दूसरा कार्य रहता है कि उनके अपने स्तर पे कॉलिंग का कार्य रहता है। सभी राजीव गांधी युवा मित्र के पास एक डाटा उपलब्ध है कि भाई फला पंचायत में इतना डाटा इतनी पंचायत है इतना एरिया हमारे पास है। डेली का उनका ये टारगेट रहता है कि लगभग 50 कॉल अपने जो उनको एरिया मिला हो उसमें उनको कॉल करते हैं। कॉल के माध्यम से जो क्वेरी आती है जो भी समस्या आती है जिस भी योजना की वो उस क्वेरी को लेते हैं और त्वरित में उसको नोट करके उसको समस्या का समाधान करने का पूरा कार्य करते हैं। ये दूसरा कार्य रहता है। तीसरा कार्य रहता है फील्ड वर्क का। फील्ड वर्क में जितनी भी हमारे जो चाहे पंचायत स्तर पे हो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो संबंधित जो कैंप आयोजित होते हैं उन कैंप में जाकर लोगों को योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। हाल में राज्य सरकार के बड़े कार्यक्रम में भी बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की जो शुरुआत की गई थी उसमें भी सभी की ड्यूटी लगी थी उनमें भी कई लोगों ने योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लाभ देने का प्रयास किया। ठीक है और अभी ऐसे कई ऐसे राज्य सरकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारी भागीदारी पूर्णतः रहती है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए ये रहता है। और उसके बाद फील्ड कार्यों में जैसे 3-4 चीजें हैं जिसमें परिवार संवाद हो गया जन संवाद हो गया जन विशेष संवाद हो गया और संस्थागत संवाद हो गया। इन चारों संवादों में ये रहता है कि अगर संस्थागत संवाद है तो कोई चिकित्सालय है या कोई महाविद्यालय है या विद्यालय है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं जैसे विद्यार्थियों के लिए युवाओं के लिए कोई योजना है जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरुआत की उस योजना में ये था कि लगभग कुछ बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा है उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता देके संबंधित विभाग में कार्य देके उनसे काम कराया जाता है।
एक तो ऐसी योजनाओं में काम करके संस्थागत संवाद के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। फिर जन विषय संवाद हो गया, किसी जन से जुड़ा हुआ हो गया, या विषय संवाद हो गया, या इस तरीके से संवादों के माध्यम से हमारा कार्य ये रहता है। ये मैं बता देखें आपके सामने इनकी कार्यों की तस्वीर। ये रिपोर्ट इसमें क्रॉस चेक भी होता है, स्टेट लेवल से भी क्रॉस चेक हुआ। हमारे जो ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हैं वो भी इनके कार्यों को वापस क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद जैसे अभी आप ये देख रहे हैं इसमें लिस्ट में कि किन लोगों को इन्होंने लाभ दिलाया है और किन्होंने उनको कॉल करके योजना के बारे में जानकारी दी और जनसंवाद कार्यक्रम में। तो ये जो संख्या है अभी पिछले, क्योंकि ये 2 महीने से ही अभी स्टार्ट हुआ है एक्टिवली, और अब इसका ऐप आ गया, क्योंकि अभी तो ये जानकारी ला रहा है, अभी तक क्या है कि अब ऐप के माध्यम से ही अगर कहीं जाते हैं इंटर और उस व्यक्ति को जानकारी देते हैं या समूह को जानकारी देते हैं जो परिवार संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उसका वो उसी लोकेशन पे वहीं पे फोटोग्राफ और उसकी जो वीडियो वगैरह है वहीं से वो डाउनलोड करके सबमिट करेंगे, ताकि ये भी कन्फर्म हो जाए कि उसमें वो गए थे। हालांकि जो भी कार्य किया जा रहा है उसको ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक साखी की गई और जिला स्तर पे हमारे द्वारा और जयपुर से भी टीम के द्वारा 2 बार अभी इसका निरीक्षण किया गया है। और ये जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से भी आपके द्वारा कॉल किए जा रहे हैं। और एक इसमें सबसे जो अच्छी बात है जो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप अपना देखिए हमारा यहाँ क्या है उदयपुर में हम लोग क्या करें काम कर रहे हैं, अब आपने इतने लोगों को लाभ भी दिया तो आप तो कहीं कहीं न्यूज कवरेज भी आप लोग उसको देखिए कि आपने सपोज कहीं जाऊल में या टोटला में भी हम काम कर रहे हैं, आपने गिरवा में भी हमारा काम हुआ है, तो जहां आपने जिन लोगों को बेनिफिट दिया है वो ये आना चाहिए कि आपकी मदद के थ्रू या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही थी उसके बाद में आपने उसको कैसे फैसिलिटेट किया। कहीं जगह ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की इश्यू होता है कि व्यक्ति का कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, वो एलिजिबल तो है लेकिन आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए आज की तारीख। और आधार जनाधार भी कई बार क्या होता है कि परिवार के पास आधार जनाधार तो है जैसे अभी भी आपने देखा होगा स्कीम्स में, लेकिन अब बच्ची का नाम अपने परिवार के साथ जुड़ो हो शादी करके आ गई उसके बावजूद भी अपने अपने परिवार के साथ में नाम नहीं जुड़ा है, इस प्रकार के केसेस है। जनाधार में मेनली जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि आपको लाभ तभी मिलेगा जैसे आप प्रसूति महिला है उसका प्रसव हुआ है बच्चा हुआ है लेकिन आप उसका नाम उस जनाधार में उसके परिवार के साथ हो गई है, तो इस प्रकार के इश्यूज पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। सेम इसी प्रकार से अगर स्कूल में बात करें तो सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारा बच्चे का जन्म भी होता है, नाम कार्ड भी हो जाता है, लेकिन उसका नाम कई बार जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं होता है और फिर वो जनाधार या आधार बनाता है उसके अंदर भी उसका नाम परिवार के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे ढंग से इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ज्यादातर स्कीम्स क्योंकि 99% स्कीम जनाधार और आधार से जुड़ी हुई है, जहां भी अगर किसी को कोई समस्या है कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन यही होगा कि उसके या तो वो अपडेट नहीं है, बने हुए सभी के हम ये कह रहे हैं 90% 95% लोगों के बने हुए, लेकिन बने हुए से क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, तो इसलिए हमें ये आवश्यक है कि हम उसको वहां फैसिलिटेट करें। और ये वही काम आप लोग कर रहे हैं, कुछ हो सकता है आपने अभी आप डिटेलिंग थोड़ा आप इसको बता दीजिएगा, बाकी आप मेरे को जहां तक जानकारी है चिरंजीवी में भी आप लोगों ने लोगों को बेनिफिट दिलाया कि कुछ केसेस में ऐसा था कि व्यक्ति बीमार हो गया गया और उसको ये तक जानकारी नहीं कि मैं किन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता हूँ, वो गांव से यहाँ आ रहा है अब ऐसे हॉस्पिटल में चला जाएगा जहां की चिरंजीवी योजना नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहां आप लोग उसको फैसिलिटेट करें और कर भी रहे हैं। गोगुंदा मैम अभी जुड़ने वाली बात नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ ब्लॉक्स में ही लगे हैं, हाँ अपने अभी 15 ब्लॉक में ही लग रहे हैं, 20 ब्लॉक हैं अपने पर पीछे लिस्ट लेना है, तो गोगुंदा में खाली है, ऐसे ही और भी खाली ब्लॉक है हमारे पास, कुरावर में भी नहीं है। हाँ वहाँ ये मैम इसमें देखिए मैं बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पर 100 की कैपेसिटी है, अब ये भी थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर ही है कि यहाँ से अपने जो एप्लीकेंट्स थे वो भी क्योंकि स्टेट लेवल से हुआ था ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था स्टेट लेवल से हुआ था, तो यहाँ हमारे पास कुल 45 कैंडिडेट्स आए थे स्टार्टिंग में और 5-2 ने तो ज्वाइन नहीं किया था और बाद में 3 लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि इसमें फील्ड में आपको काम करना पड़ता है और ऐसा नहीं कि कोई रियलिटी चेक नहीं होगा या आपने बिना काम किए भी चल जाए घर बैठे बैठे, उसको तो पहले स्टार्टिंग में लगा कि हम क्या घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे काम करेंगे और हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आप यहाँ से हमें सजेस्ट करते हैं कि ये लोग काम करने में इच्छुक हैं तो वो हम जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
तो इसका क्या वापस एक इंटरव्यू अगर प्रोसेस हो गया, अभी वापस में चल रहा है, काफी लोग छोड़ रहे हैं, काफी नए जुड़ना चाह रहे हैं, तो अपने पास कैपेसिटी अभी भी 60 खाली पद है, जो हमारी 20 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर 100 लोग, यानी 5 का एवरेज मान के चले, तो 5 लोग एक ब्लॉक में लगने, तब जाके वो जो सभी जो मैं विलेजेस बता रहा हूँ मेरी विलेजेस वो कवर कर पाएंगे, क्योंकि आगे एक ब्लॉक में मैंने 5 लोगों को दिया था, और वो 5 लोग कम से कम उनको क्लस्टर्स देने पड़ेंगे, तो एक ही क्लस्टर्स बना के उन क्लस्टर में 20-25 ब्लॉक का बाल हितेशी अभियान करके शुरू किया था, जिसमें 3 दिन का पूरा गोरुंगा में था, तो लगभग 30 ग्राम पंचायत में हमने अधिकांश सरपंचों से मिलकर इस बारे में, क्योंकि वहाँ नहीं है तो हमने ये उनको कहा था कि आपको अगर किसी प्रकार की योजनाओं संबंधी अगर कुछ है तो हम बात कर सकते हैं, तो नंबर हमने दिए थे लगभग 30 ग्राम पंचायत के सरपंच से मिले इस अभियान पर। भी जनकल्याण कर योजना से सीधा फायदा हमारे लोग ग्रामीण ले सकते, कम्युनिकेशन जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर सब जगह कमी, जिला समन्वय को चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में या कुछ ब्लॉक में किस किस को किस तरह से करना है, आप लिखे ना, आपको इतने समर्पण भाव के व्यक्ति जो सेवा रूप में काम करना चाहते इस तरह के लोग मिल जाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन के कहीं कहीं भी उपयोग हो जाते, उसके बाद में जब इतने ब्लॉकों को किरे होनी चाहिए राजीव गांधी युवा मित्र कोर, इसमें राजीव गांधी युवा मित्र समन्वय के, फिर राजीव गांधी युवा मित्र है, और फिर राजीव गांधी वॉलंटियर, तीनों का अलग अलग पेड है, तीनों को सैलरी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजीव गांधी युवा मित्र का है। जो व्यक्ति जहाँ का है अगर उसी को सेलेक्ट किया जाए तो वह ढंग से काम करता है, वो एरिया को जानता भी है, अगर मैं कोई व्यक्ति यहाँ से मैं उसको कोटड़ा भेज रहा हूँ तो वो तो उसको आने जाने में टाइम खराब हो जाएगा और जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेगा। इतने 2 घंटे तक तो वाते करते हैं। वो अपना सर इसमें चिरंजीवी वाला है तो वो मैंने आप लोगों को दे रखा आपके शर्त। ये हमारे जैसे फील्ड कार्य के कुछ फोटोज हैं, इस प्रकार से जैसे इनके पास सभी राजीव गांधी युवा मित्र के पास डिटेल रहती है, किस व्यक्ति से कब कब मिलना है क्या, ये उनसे टाइम डिसाइड करके संबंधित जितनी भी उनकी योजनाएं होती है, जिन योजनाओं को उनका बेनिफिट चाहिए होता है, फायदा चाहिए होता है, घर घर जाके आगे उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इस प्रकार के सारे फोटोज हैं, ये सारे राजीव गांधी विभाग चाहे सरकारी विभाग हो चाहे वहाँ पंच का हो, सरपंच जहाँ भी जिनका विभाग होता है वहाँ जाके योजनाओं को लोगों को इकट्ठा करके सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। इस प्रकार की ये सारी योजना, ये ग्रामीण ओलंपिक के कुछ हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे अभी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, तो ग्रामीण ओलंपिक में सभी ब्लॉक से सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को नियुक्त किया गया था, आपको इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम।
वार्ता करते हुए ताकि ज्यादा मिलेगी उतना आपने ज्यादातर क्या है कि यहाँ जो ब्लॉक में जो राजीव गांधी युवा मित्र है, एग्जाम्पल की बात करूँ सर कि कोटला ब्लॉक है तो जहाँ का जो व्यक्ति अगर वो वही काम करेगा तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, लोकल को प्राथमिकता पड़ेगी और उसका आने जाने का समय भी रुकेगा और सारी चीजें मतलब अच्छी हो जाएगी। ये है शर्मा साहब, आप मेडिकल के बात करिए, आपको लोकल लेवल पे जहाँ जरूरत पड़ेगी वही आपको अवेलेबल कराएंगे जिससे की अच्छा काम करें। वॉलंटियर्स चुनने में मदद कर सकते हैं। एक ब्लॉक पे अगर आप 5 देंगे और अगर आप उनको 5 देंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो सबसे ज्यादा सीधे जनता से जुड़े रहते हैं उनका काम कितना ज्यादा आसान। तो हमारे पास भी अब जैसे क्या 25 मेंबर्स जब अपनी टीम बनी तब हमने ये सोचा कि आरवाईएमपीस के साथ में मेंबर्स के साथ में मीटिंग कराएं, तो ये पहले एक बार हो चुकी थी इससे पहले, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि इश्यूज अदरवाइज तो ये रिजॉल्व हो गए थे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप संपर्क करें और विशेषकर क्योंकि मैं सर आपसे मिलने ताकि लिस्ट क्योंकि मैं वैसे आपको जो 40 लग रहा है उनकी लिस्ट पे एक बार आप देखिए जितने भी फील्ड कार्य होते हैं आरवाईएमपी जो ऐप है उसके माध्यम से सारे जितने भी चाहे उनकी सफलता की कहानी हो गई चाहे उनको किसी योजना में फायदा मिला हो, मेरे हाथ में कैमरा है सर, स्टेट में रहती है, स्टेट से पूरी क्या प्रोग्रेस चल रही है, लोगों को इस पूरा ये काम पूरा लाइव होता है और पूरा आरवाईएमपी जो एप्लीकेशन होता है वीडियो जितने भी फोटोग्राफ इस तरीके से लाभ मिलता है।